बात्या यश्र प्रस्तुति ने मुकाबिला राज्यर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को बात्या प्रभावित जिलार दायित्व दि जाए केन्द्रापड़ा हेमंत शर्मा जगत सिंहपुर शाश्वत मिश्र भद्रक वीवी यादव को दायित्व मिली से बालेश्वर जिला दायित्व रे विशाल देव और मयूरभंज जिला सुरेश वशिष्ठ को दायित्व मिली ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही हम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती दिव्य जेहेतु बात्या यस आसुची जहाँ लैटेस्ट सूचना भी रही थी कि वर्तमान यस तार गतिपथ बदल समय भी परिवर्तन कर जोटा संध्यारे लैंडफॉल करिबार रहितला ता वर्तमान मध्यान को पळे आसी एवं पूर्वर जोटा ओडिशा पश्चिम कथा कह जाउतला कि ओडिशा एते मात्रा रे प्रभावित हेबनी उत्तर ओडिशा रे किछि जिला निश्चित भाव प्रभावित बाटला कि वर्तमान बात्या संपूर्ण भाव ओडिशा रे बेसी प्रभाव पकेबो बोली आकलन करा जाइछि पाणीपाक केन्द्र तरफ तो एनी प्रस्तुति केमिति रहिछि कारण विभिन्न उच्चपदस्थ अधिकारी मानको मध्य दिया जाइछि दायित्व विभिन्न जिलार देखो नीलिमा निश्चित भाव में बात्या आसवर समय जी पाखे आसूँ प्रशासनिक स्तर में प्रस्तुति के आतीक जोरदार आतीक व्यापक आपत देखु वर्तमान देखिए पाँच वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को पाँच जिलार दायित्व दिया जो प्रभावित होगा जिलागुड़ी आप देखते केन्द्रापड़ा हो जगत सिंहपुर हो मयूरभंज हो बालेश्वर हो भद्रक हो पाँच जिलापी पाँच वरिष्ठ आईएएस अधिकारी स्वतंत्र भाव दायित्व दिखाई से जिते पूरा लगातार भाव में स्थितर मुकबिला किभ से नहीं विभिन्न स्तर बैठक करेंगे और स्थानीय जिलापाल हूँ स्थानीय अधिकारी से करेंगे और रणनीति प्रस्तुत करेंगे सबुठ बड़ कथा हूँ आज मुख्यमंत्री अपराह चारिटे राज्यवासी को संबोधित करेंगे किभली बात्या समय से प्रस्तुत रे कि बात्यार मुकबिला समस्ते अंटा भिड़े से दिग्वे समस्त को निवेदन करेंगे कौन सी लोक पैनिक न होबे समस्ते कि सुरक्षित जगह को आसबे से दिग्वे समस्त को सूचना देवे ता सहित जेहेतु कोरोना मुकबिला बर्तमान चली राज्य में कोरोना बर्तमान भयंकर स्थित अच्छी एभली स्थित दुईट दिग को मुकबिला करने समस्त कि समर्थ हे से नहीं समस्त को गोटे प्रकार सूचना देवे मुख्यमंत्री ता सहित आप देखिए बर्तमान जेहेतु बात्या पखिपाखि आसूँगा निकटतर हो अल्प समय अर्थात आउ 48 घंटार व्यवधान रही यार भितर किभली मुकाबला करा जीवो से नहीं मध्य आज बैठक बसुची गृहमंत्री अमित शाह बैठक डाकिछंती जो थे वर्तमान बैठक आरंभ हो गला सीधा सड़क मुख्यमंत्री रही सहित आप देखिए मुख्य शासन सचिव रही स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर प्रदीप जेना बैठक में उपस्थित अच्छा बैठक में गुरुत्वपूर्ण आलोचना होती आउ गोटे कथ आप देखिए सेपटे जे यो मुकबिला नहीं आज जहाँ कहुच्छे विशेषकर चारोट दिग्पुर सरकार गुरुत्व देवा जाऊँ गोटे कथा बात्या आगु कि पुनरुद्धार कार्य तुरंत शेष हे और जेहेतु कोरोना परिस्थिति रही समस्त को जो कोरोनार गाइडलाइन रही अनुपालन कर सामाजिक दूरता सह सेल्टर हाउस रखा जतने सेल्टर हाउस को अणा से समय टेस्टिंग करा सहित समस्त को मास्क दिजो यह सब दिग्वे ध्यान देवाई समस्त जिलापा कत्यापर तीनोट दिग्वे गुरुत्व देवाई बर्तमान कहुच्छे गोटे रिस्ट्रक्शन जो हम पुनरुद्धार कार्य जो चलो से समय समस्त पाखे पानी जल कि भाव में पहुँचव कि भाव में विद्युत सेवा पहुँचव सहित जोजोग रास्ताघाट को क्लीयरांस कर जो टेलीकॉम सर्विस को किभ तुरंत समस्त पाखे पहुँचा जा दिग्वे गुरुत्व देवाई कहुच्छे यही चार दिग्वर गुरुत्व दे सरकार बर्तमान आगक बढ़ुंत सहित अंपटे देखिए एनडीआरएफ टीम अधिक रु अधिक प्रस्तुत रखा बर्तमान सुधा 22 एनडीआरएफ टीम को जो मुतयन आहरी 30 गोटी एनडीआरएफ टीम को ओडिशा प्रस्तुत रखाई बोली जहाँ एनडीआरएफ डीजी यार भी ट्वीट कर सूचना देते हैं बातें को आखिर के रखी वर्तमान प्रस्तुति जोरदार रही सहित वरिष्ठ अधिकारी मान को पर्टिकुलरली जदि आम कह चार जिला जोटा सब अधिक प्रभावित होबार रही आशंका पाणीपाक विभाग तरफ जो सूचना दि जाए से ही आधार में बर्तमान वरिष्ठ अधिकारी नियोजित करे दीपे टी आपको अटकेबी एवं सीधा सड़क जी बालेश्वर जो रही प्रतिनिधि प्रकाश महांति कारण बालेश्वर जिला सर्वाधिक प्रभावित होगा जहाँ पूर्व पाणीपाक विभाग तरफ सूचना दि जा सारी तो प्रकाश ग्राउंड लेवल रे वर्तमान जिला प्रशासन प्रस्तुति केमिति रही बात्या यश्र मुकाबला नहीं देखते नीलिमा पूरा ग्राउंड लेवल जो कथ कहे कहिया प्रस्तुत रही है कह जिलापा निजे ता सहित किसी समय पूर्व आईन श्रृंखला एडीजी जशवंत जेठवा पहुंचे बात्या दायित्व तुलाई जो विशाल देव अच्छे से नहीं कि आप देखते प्रथम ओड्राफ्र जो टीम अच्छे पाखापाखि चार जिले में तीन टी जिले ओड्राफ्र विभिन्न टीम आसगढ़ आईआरबीएल 40 जनिया टीम गोटे आसी सहित झारसुगुड़ सेकेंड बटालियन 28 जनिया टीम और बौद्धर आईआरबीएल 33 जनिया टीम बालेश्वर ओड्राफ्रु 30 जनिया टीम सह चार टीम आप देखुं संपूर्ण बर्तमान पूरा सजग अच्छा आ कि समय पर
ଏସବୁ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏଥିରେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କଥା କହିଯାଉଛି, ଟିପ୍ନର, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କଟର, ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ଏବଂ ରୋପ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ଏହିସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଜେନେରେଟର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ରହିଛି, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ, ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁ ଯିବେ ଟିମ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଏଡିଜି ଯଶୋବନ୍ତ ଜେଠୱା ଏବଂ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜରୁରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଛନ୍ତି କି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍କୁ କେଉଁଭଳିଆ ମୁକାବିଲା କରିବା, ତ ସେ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘନ ଘନ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ର ବାଲେଶ୍ୱର ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କରିବା, ଟିକେ ପରେ ଟିକେ ପରେ ଆମେ କରିବା ସେଇଟା। ଏବେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଟା ଟିମ୍ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚ କାଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଜେନେରେଟର ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରାଞ୍ଚ କଟର କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ୟାସ୍ କଟର, ଟିପ୍ନର ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କଟର, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇଠାକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେଇଟାକୁ ଏଡିଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଶୋବନ୍ତ ଜେଠୱା ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ତାପରେ ଏଠି ସମସ୍ତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ କେଉଁ ଟିମ୍ କେଉଁଠିକି ମୁତୟନ କରାଯିବ ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ପଠାଯିବ। ଚିତ୍ର ହିଁ ପଏଣ୍ଟ କରୁଛି କି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ଜୋରସେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିଛି ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ଏୟାର ଡ୍ରପିଂ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ହେଉ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।